साल 1975 में लगी इमरजेंसी को लेकर अक्सर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी ने अब एक बार फिर कांग्रेस को बैकफुट पर लाने का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बीजेपी अब इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। दरअसल हाल ही में चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया गया। बैठक में पीएम मोदी सहित बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर अटैक भी किया। इस बैठक में कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने संविधान निर्माताओं की सोच को आगे रखा है, संविधान की रक्षा का संकल्प जनता तक पहुंचाएंगे, भारत का संविधान सुरक्षित है, संविधान के खतरे में होने की बात कहने वाले खुद खतरे में। कांग्रेस पर अटैक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनकी आदत फूट डालो और राज करो की है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर और राजीव गांधी शाहबानो मामले में संविधान को कुचलने का काम किया है, पब्लिक सब देख रही है। कांग्रेस के बहकावे में उनके फूट डालो राज करो वाली नीति पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं इसके साथ ही हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में बहुत गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन किया है। मैं इसके साथ ही दूसरी ओर हाल ही में हरियाणा में मिली जीत से बीजेपी काफी खुश है, और साथ ही अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान भी हो गया है। ऐसे में अब बीजेपी की निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस को घेरने के लिए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाने वाली रणनीति तैयार की है। आपातकाल के मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर बीजेपी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को टारगेट करेगी। बीजेपी नेतृत्व ने तय किया है कि वो आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाएगी। कैसे कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, उसे लोगों के बीच लेकर जाएंगे। मैं इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रचार किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान बदल देगी। वहीं जिसके कारण बीजेपी के प्रदर्शन पर काफी असर पड़ा था और बीजेपी को काफी कम सीटें मिली थी। वहीं अब इसी रणनीति को बीजेपी ने भी अडेप्ट कर लिया है। वहीं ऐसे में अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।